अस्सलाम वालेकुम एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना जमशेद टाउन के इलाके मुस्लिम आबाद में घरों में काम करने के बहाने मासियों का दो रकमी डकैत घरों सरगर्म। कराची थाना जमशेद टाउन के इलाके में घरों में काम करने वाली मासी नबीला ने अपने दूसरी साथी मासी की मदद से मोहम्मद इमरान के घर सफाया कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली से। जी जुल्फकार अली, अदा कीजिएगा। जी बिल्कुल, घर के मालिक मोहम्मद इमरान ने बताया कि हमने अपने घर में 3 सितंबर 2020 जुमे रात को दो मासियां काम के लिए रखी थीं, जिनमें एक का नाम नबीला था जबकि दूसरी का नाम मुझे मालूम नहीं। इमरान का कहना है कि मैंने इनसे शनाख्ती कार्ड की कापी मांगी तो नबीला ने कहा दो दिन में ला कर दूँगी। इस तरह टाल मटोल करती रही। घर के मालिक का कहना है कि आज 6/9/2020 को सुबह 10 बजे दोनों काम पर आईं, जिसके बाद वो काम करने लगीं और एक ने मेरी वालदा को बातों में लगाया और दूसरी लाकर की तरफ गई और घर से 3 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात, कैश, डॉलर, बॉन्ड और पाकिस्तानी करेंसी लेकर 1 बजे घर से फरार हो गईं। सीसीटीवी फोटोज में दोनों मासियों को अपनी चादरों में सामान छपाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। घर के मालिक का मजीद कहना है कि सीसीटीवी फोटोज मंजरेआम पर आने के बावजूद पुलिस इन मुलजमा मासियों का सराग लगाने में नाकाम है। जी बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात से आगाह करने का।